वेलकम बैक ब्लेडर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगे और आप सब की वजह से मैं हमेशा की तरह बढ़िया हूं। तो भाई आज की वीडियो का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होने वाला है गाइस, तो बताता हूं किस टाइप की वीडियो होगी। सो देखो, ये हमारे बेब्लेड्स की डिस्क है सारी, ठीक है। ये उन लेयर्स है और ये उनकी डिस्क है और यहाँ पे सभी बेब्लेड्स के अलग अलग ड्राइवर्स है। अब हम करेंगे एक तरह का रैंडम मर्ज टूर्नामेंट। इसमें रूल्स ये होंगे कि हम बिना देखे रैंडमली कोई भी बेब्लेड की लेयर, डिस्क और उसका ड्राइवर चूज करना पड़ेगा, और जो भी आएगा बेब्लेड उसका हमारे को कॉम्बो बनाकर अपोनेंट बेब्लेड का जो कॉम्बो बनाएंगे उससे बैटल करेंगे, और जो बेब्लेड क्वालिफाई करेगा वो जाएगा नेक्स्ट राउंड में। तो ऐसे ही जब तक सारे कॉम्बो बन नहीं जाते और जो फाइनल बैटल होगी वो दो बेस्ट रैंडम बूस्टर्स कह सकते हो या रैंडम मर्ज कॉम्बोस के बीच में होगी। तो देखते हैं भाई कौन सा क्या कॉम्बो बेस्ट बनता है। तो फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करें क्योंकि इस वीडियो में ये वीडियो लंबी भी होने वाली है, तो देखते हैं भाई क्या होता है इस वीडियो में। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। शिनचैन ब्रदर, इंट्रो प्लीज। लेकिन मैं भी क्योंकि बैटल, हाँ बिल्कुल कर लो पहले इंट्रो तो लगा। तो भाई एक बार सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं बिल्कुल पूरे तरीके से, और ये तो भाई फ्रेम में फिट नहीं आ रही मेरे। कैमरा मैन हल्का सा कैमरा ऊपर करिए। हाँ तो भाई सबको हिला देते हैं। ऐसा मारोगे भाई, क्या मिल गया भाई? अब देखते हैं पहले दो कॉम्बो कौन से आते हैं हमारे। तो फटाफट से बिना देखे आबड़ा कटाबड़ा। तो भाई लेयर आई है हमारी इंपीरियल ड्रैगन की। अब डिस्क देखते हैं कौन सी आती है। भाई डिस्क आई है एस गियर विद वेंचर डिस्क। भाई ये कॉम्बो खतरनाक बन सकता है। अब ड्राइवर देखते हैं कौन सा आता है। और भाई ड्राइवर आया क्वाड्रो ड्राइवर। सीरियसली भाई ये कॉम्बो अलग ही लेवल का होगा। और भाई अटैक टिप के साथ आया तो अटैक टिप से ही करेंगे। अब भाई दूसरा कॉम्बो निकालते हैं अपना कौन सा आता है। तो भाई दूसरा कॉम्बो के लिए हमारी लेयर आती है इन्फिनाइट अखिलीस की, और ड्राइवर जरा देखते हैं किस कौन सा आता है। और ड्राइवर आता है भाई ये मेरे को उसका नाम नहीं पता भाई, अगर किसी को पता तो भाई कमेंट करना। और डिस्क देखते हैं कौन सी आती है। भाई देखो आप लोगों के सामने रख देता हूँ, आप लोगों के सामने ही करूँगा जो होगा। तो भाई डिस्क तो इसी की आई है, बस इसको भाई एडवांटेज मिला है बस नए ड्राइवर का। तो देखते हैं इसके लिए कुछ कर पाएगा या नहीं इन्फिनाइट अखिलीस का। भाई इसमें लक फैक्टर भी बहुत जरूरी रहेगा बेब्लेड के लिए। एक रैंडम बूस्टर हमारे पास ये वाला और एक है तब तगड़ा। भाई देखते हैं भाई क्या होता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लॉन्चर को राइट स्पिन करके आता हूँ। फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले लॉन्च करेंगे इंपीरियल वाले कॉम्बो को। नाइट अखिलीस होता है बाहर, ये तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया। मैंने कहा था भाई ये कॉम्बो कुछ ज्यादा खास बना नहीं है, लक फैक्टर काम नहीं करा। फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई होता है हमारा इंपीरियल ड्रैगन का कॉम्बो और ये होता है बाहर। तो भाई देखते हैं अब नेक्स्ट कॉम्बो कौन से बनते हैं। पहले डिस्क देखते हैं कौन सी निकलेगी। तो भाई डिस्क आई है जुई लॉन्गिनेस की। अब ड्राइवर देखते हैं कौन सा आता है अपना। और भाई ड्राइवर मिला है हमारे को वेंचर ड्राइवर आया। और देखते हैं डिस्क कौन सी मिलती है। डिस्क देखनी पड़ेगी भाई कौन सी आती है, काफी बढ़िया दिया है। और मिलती है भाई हमारे को इंपीरियल ड्रैगन की ड्राइवर। अब ये देखते हैं इसके खिलाफ में कौन सा कॉम्बो आता है अपोनेंट में। एक बार फिर से सारी लेयर्स सामने आए, सारी लेयर विजार्ड बहुमत की लेयर आई है भाई। और ड्राइवर देखते हैं किसका आता है। और ड्राइवर आया हमारा नेवर ड्राइवर है, पता नहीं इसका नाम भूल गया भाई मैं। साइक्लोन रैग्नारोक का ड्राइवर आया भाई। और अब देखते हैं डिस्क कौन सी मिलती है इसके साथ। और डिस्क भी हमारे को मिली है इसके साथ डबल, क्या नाम था डिस्क का मैं भूल गया यार, मैं डिस्क का नाम भी भूल गया बताओ। भाई इसमें दो कॉम्बो विजार्ड बहुमत के, बस टिप स्टेमिना टिप आई है। अब भाई देखने में ये होगा, ये मजा आने वाला है कि किस तरीके से एक अटैकिंग टाइप बेब्लेड स्टेमिना टिप के साथ किस तरीके से दिखेगा, मतलब किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। वन इट बर्स्ट लिटरली यार, ये वाला कॉम्बो भाई काफी खतरनाक रहा सीरियसली में। तो देख के पता चल गया ये वाला कॉम्बो की हालत आपको। और सेकंड राउंड में क्वालिफाई करता है हमारा जुई लॉन्गिनेस का रैंडम बूस्टर कॉम्बो। तो अब हमारे को दो अपने कंपेटिटर मिल चुके हैं
अब देखते हैं आगे और कौन से बेस आते हैं और उनके क्या क्या कॉम्बोज बनते हैं। तो फटाफट से ढूंढते भाई कौन सा कॉम्बो मिलेगा। तो भाई एस्ट्रल स्प्रिगन की लेयर आई है, डीवी लेयर, और अब देखते हैं डिस्क कौन सी आती है। और डिस्क यहाँ पे जुई लोंग इनेस की, ये कॉम्बो भाई देखने में मजा आएगा। और देखते हैं अपना ड्राइवर कौन सा। और भाई साहब वेव डैश ड्राइवर गाइस, देखने में मजा आएगा भाई क्या होगा। पहले तो इस स्टेडियम में टिक जाए वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और भाई इसको हमारे को हाई मोड पे करना पड़ेगा क्योंकि इस तरीके से लग नहीं पा रही है डिस्क एस्ट्रल स्प्रिगन की। तो इसको हाई मोड पे डाल लेते हैं फटाफट से। आर्मर हाई मोड के ऊपर डल चुका है, अब ये फटाफट से डिस्क लगा देते हैं इसकी और देखते हैं कॉम्बो। एक कॉम्बो तो मिल गया हमारे को, दूसरा कॉम्बो देखते हैं किनका बनता है, क्या कॉम्बो आता है भाई। अब ज़्यादा बचे भी नहीं है तो देखने में दिक्कत होगी। तो भाई रैग्नारॉक की लेयर आई है, अब डिस्क देखते हैं कौन सी आती है। भाई डिस्क आई है इंपीरियल ड्रैगन की और ड्राइवर देखते हैं कौन सा आता है। और ड्राइवर आया ड्रेन फैफनियर का, ये कॉम्बो भाई काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। देखते हैं भाई इसको भी शायद हाई मोड पे करना पड़ेगा। हाँ भाई इसको भी हाई मोड पे करना पड़ेगा, देखो मैं इसको हाई मोड पे करके आता हूँ भाई। लेकिन इसमें एक चीज़ बढ़िया हो गई है कि जो दोनों ही बेबलेट थे वो हाई मोड वाले हैं, तो कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं होगा किसी के साथ गलत या किसी के साथ सही। तो फटाफट से मैं अपने बेबलेट्स के मोड करता हूँ, वो बेबलेट्स के मोड कह रहा हूँ लॉन्चर्स के मोड करता हूँ चेंज और करते बैटल को स्टार्ट। दोनों ने काफी तगड़े तरीके से ट्राई करा लेकिन एस्ट्रल स्प्रिगन वाले कॉम्बो ने नॉकआउट करा है बहुत तगड़े तरीके से। ट्राई रैग्नारॉक वाले ने बहुत अच्छा करा था लेकिन थर्ड हमारा फाइनलिस्ट आता है अगले राउंड में जाने वाला थर्ड राउंड का, वो एस्ट्रल स्प्रिगन का कॉम्बो और ये जाता है बाहर। अब देखते हैं भाई अब हमारे पास टोटल दो ही कॉम्बो बचे हैं भाई जो फाइनल्स में जाएंगे, मतलब दोनों में से कोई सा एक जाएगा। तो देखते हैं किस कॉम्बो की किस्मत में क्या खाता है। तो पहले भाई बस दो ही हैं, इनको एक साथ कर लेंगे भाई। अब बचा है हमारे पे ड्रेन फैफनियर का और साइक्लोन बेलियर की लेयर। अब इन दोनों के लिए देखते हैं पहले साइक्लोन बेलियर के लिए कौन सा कॉम्बो आता है, कौन सी डिस्क आती है मतलब। और साइक्लोन बेलियर के लिए यहाँ पे रही है ड्रेन फैफनियर की डिस्क। अब ड्राइवर देखना है भाई कौन सा आता है साइक्लोन बेलियर के लिए। और ड्राइवर आया है इन्फिनाइट अकिलीज का थ्री व्हील ड्राइवर, तो इसको भी मेरे को लग रहा है हाँ भाई इसको भी हाई मोड पे ही करना पड़ेगा। तो बाद में करेंगे, पहले उसको हम वो देखते हैं उसके लिए क्या डिस्क आती है। तो भाई अब इसके लिए हमारे साइक्लोन रैग्नारॉक के लिए आती वो ड्रेन फैक्टर के लिए आती है भाई जीरो डिस्क। ओ भाई काफ़ी हैवी डिस्क है भाई ये। और ड्राइवर देखते हैं कौन सा आता है। और ड्राइवर आता है जुई लॉन्गिनेस का, ये कॉम्बो खतरनाक बन सकता है भाई, बन सकता है क्या बनेगा, क्योंकि भाई इसमें इतनी हैवी डिस्क लगी है और जो इसका व्हील है वो भी काफ़ी खतरनाक ही है। तो देखते हैं इसको मैं हाई मोड पे करता हूँ फटाफट से, इसको मैंने सब कर दिया और भाई देखने में देखो कितना छोटा सा लग रहा है। बस इसके पास भाई कुछ भी एडवांटेज शायद है नहीं, इसकी जो करेगी अटैक लेयर ही करेगी, लेकिन ड्रेन फैफनियर काफ़ी एडवांटेज है क्योंकि जीरो डिस्क उसकी कवर में है पूरी। तो फटाफट से देख लेते भाई कौन डोमिनेट करता है इस वाले राउंड में फटाफट से। और ड्रेन फैफनियर का कॉम्बो काफ़ी तगड़ा अटैक करते हुए और फ्लावर पैटर्न काफ़ी ख़राब हुआ, लेकिन ट्राई कर रहा है पूरा साइक्लोन बेलियर के कॉम्बो को हराने की। और दोनों हेड टू हेड बैटल कर रहे हैं इस टाइम पे। सभी इन बूस्टर वाले में एक यही है जिनकी बैटल अभी तक इतनी लंबी चल पाई है, वरना फटाफट से किसी ने नॉकआउट किसी ने बर्स्ट, लेकिन ये बैटल सबसे यूनिक है और अभी तक भाई किसी के चैनल पे ऐसी वीडियो नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं। तो इस वीडियो को देख के भी अगर हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई क्या फायदा है ऐसे आइडियाज का। और भाई देखो हमारा ड्रेन फेवरेट जीत चुका है, इसीलिए तो भाई इसीलिए मेरा फेवरेट है बेबलेट। तो हमारे को हमारे चारों फाइनलिस्ट मिल चुके हैं और चारों ये बेबलेट बाहर होते हैं। चार फाइनलिस्ट हैं हमारे भाई जो इसमें जाएंगे ग्रैंड फिनाले में, नहीं सेमी फिनाले में। इनमें से जो जो जीतेगा एक दूसरे से वो फाइनल में टकराएगा ग्रैंड फिनाले में। तो देखते हैं भाई कौन से बेबलेट्स का इसको भाई रैंडमली चूज करेंगे कि कौन सा बेबलेट किससे बैटल करेगा फिनाले में, सॉरी सेमी फिनाले में। तो इसको भी डाल देते हैं डब्बों के अंदर,
उसी वाले डब्बे के अंदर फटाफट से और देखेंगे किस तरीके से हो। और भाई एक और ट्विस्ट, ये बेबलेट हम नहीं लेंगे, हमने एक बंदा रखा इसके लिए जो हमारे को बेबलेट चूज करके देगा, वो भी रैंडमली बिना देंगे। तो भाई देखते हैं कौन सा बेबलेट किसके उसमें आता है लक में। तो भाई पहला आया हमारा ड्रेन फैफनियर और साइन कॉम्बो देखते हैं कौन सा आता है। और भाई यहां पे ड्रेन फैफनियर के लिए मुश्किल होने वाली है क्योंकि सबसे तगड़ा कॉम्बो जो अभी तक मेरे को लगा है वही आया उसके सामने, इंपीरियल ड्रैगन का। तो देखते हैं भाई अब इनमें से कौन जीतेगा क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बैटल होने वाली है लिटरली में। तो फटाफट से और ड्रेन फैफनियर ने हेडशॉट अटैक करने की पूरी ट्राई करी है लेकिन क्या छोटा होते भी अगर वो जीतता है तो वो जाएगा ग्रैंड फिनाले में। और सेमीफिनाले का भी सेकंड राउंड बाकी है जिसमें हमारे एस्ट्रल स्प्रिंगन और जुई लॉन्ग इन इसके कॉम्बो टकराएंगे आपस में। और मुझे यहाँ पे अजीब सा क्यों लग रहा है भाई, क्या ड्रेन फैफनियर इंपीरियल ड्रैगन को हरा देगा? देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, ये इतना बड़ा कॉम्बो था मेरे को लग रहा था ये जीत ना जाए बैटल और यहाँ पे कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। और भाई सीरियसली मैं अनबिलीवेबल तरीके के साथ ड्वेन फैफनियर का कॉम्बो जीतता है यहाँ पे लिटरली में भाई, ये अनएक्सपेक्टेड था, पूरा अनएक्सपेक्टेड था, सोचा भी नहीं होगा भाई इतना तगड़ा कॉम्बो जो बना लीगल वो इतने छोटे से हार जाएगा। और भाई इसका ये मेन रीजन यही है क्योंकि ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो रखा है, इसके जो डिस्क और लेयर का साइज बिल्कुल मैच करते हुए एकदम बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस बेबलेट बन चुका है ये, जिससे ये डिफेंस में नेक्स्ट लेवल का परफॉर्म करता है। तो भाई इंपीरियल ड्रैगन का कॉम्बो भी होता है बाकी सही बेस के साथ बाहर और ये जाता है ग्रैंड फिनाले में। अब उन दोनों की बारी है जिसमें हमारी बैटल होगी जुई लॉन्ग इनेस के रैंडम बूस्टर की और एस्ट्रल स्प्रिंगन के रैंडम बूस्टर की। तो भाई कमेंट करके बता दो आप लोगों के हिसाब से ये बैटल, ये टूर्नामेंट कौन जीतेगा। इसमें भाई बहुत दिमाग लगाया मैं पढ़ा है और मेहनत भी बहुत लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस। तुम्हें बोल लेना। तो भाई फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और पूरे तरीके करने की ट्राई करी है यहाँ पे और कामयाब भी रहा है कॉम्बो। और जिस तरीके से वो इतना हैवी लग रहा है तो लग रहा है कि डोमिनेट करेगा और शायद हमारे जुई लॉन्ग इनेस ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और देख के पूरा यही लग रहा है। तो भाई जैसा कि मैंने कहा था वो यार एक्चुअल में देखने में इतना खतरनाक लग रहा है, एस्ट्रल जो लेयर है वो भाई बहुत तगड़ी है, वो अटैक खुद अपने आप में इतना तगड़ा करती है। तो हमारे को भाई अपने दोनों फाइनलिस्ट मिल चुके हैं जो ग्रैंड फिनाले में कम्पीट करेंगे और कोई सोच भी नहीं सकता भाई ड्रेन फैफनियर जैसा सेकंड सीजन का बेबलेट फाइनल में आएगा इस तरीके से। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बेबलेट शुरू करते हैं लॉन्चर में फिट और जल्दी से करते हैं। और भाई फाइनल ग्रैंड फिनाले की बैटल है भाई, क्या लगता है कौन जीतेगा? क्या एस्ट्रल स्प्रिंगन अपने हैवी वेट की वजह से कर पाएगा या हमारा सिंक्रोनाइज पूरा एक ही क्या कहूं भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, इतनी बढ़िया बैटल चल रही है और यहां पे कुछ अलग देखने को मिल सकता है हमें। दोनों इस टाइम बिल्कुल बराबर बैलेंस में और भाई अनएक्सपेक्टेड करके एक्सपेक्टेड जो हुआ है, कोई सोच सकता था कि इतने सारे कॉम्बोज में, इतने सारे हैवी कॉम्बोज में एक ड्रेन फैफनियर का छोटा सा इतना तगड़ा, ये भाई प्रॉपर कॉम्बो है जिसमें अटैक डिफेंस और प्रॉपर स्टैमिना है, ये एक ऐसा कॉम्बो है लिटरली है भाई। इस कॉम्बो को जरूर ट्राई करना अगर आपके पास जुई लॉन्ग ने एस्ट्रल स्प्रिंगन ड्रेन फैफनियर हो। और सीरियसली भाई इस बैटल में मजा आ गया। तो भाई विनर निकल के आता है हमारा इस टूर्नामेंट का ड्रेन फैफनियर का रैंडम बूस्टर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो क्या करना है जल्दी बोलो भाई। गाइस इस वीडियो के लिए तो मैं भी इसको बुक करूंगी तारीफ, इस तरीके का है इसके दिमाग में कैसे गए बुड़बक के, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। भाई हम भी कुछ ना कुछ कई बार कर जाते हैं खतरनाक। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब, अरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना मत भूलना बिल्कुल भी, समझे? बाय बाय।